नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि शीघ्र ही आपको जो है लाइव ऑन बोर्ड मिलेगा दोस्तों, तो उसमें था क्या दोस्तों कि तीन चार महीने से क्लास बंद थी, जिसकी वजह से बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रही है। तो जिस तरह से नोटिफिकेशन पहुंचेगी वैसे वैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे, तो आप लोगों का काम है कि दोस्तों इसको जो है सभी बच्चों तक फिर से पहुंचाइए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग का ही सहयोग था कि जो हम लोग जो है इतनी अधिक ऊँचाइयों तक पहुँचे दोस्तों। और याद रखिएगा, मैंने कहा दोस्तों कि अगर आप हमारे साथ लगे रहेंगे दोस्तों, जितना भी चीज़ आपको बताया जाता है, मैथ में जो पढ़ाया जाता है, जो रीजनिंग में पढ़ाया जाता है, जो इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, वो सारी चीज़ें आप दोस्तों पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, तो प्रैक्टिस के लिए दोस्तों मैं क्वेश्चंस आपके पास भेजता हूँ दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पर भेजता हूँ। तो जो भी अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, वो नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए दोस्तों। आपका कोई भी प्रश्न रहता है आप अपना प्रश्न भी दे सकते हैं और साथ ही साथ हल भी हो जाएगा। तो दोस्तों रीजनिंग आज हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। अभी तक जो भी आप लोगों ने पढ़ा, जान लीजिए ठीक है, अच्छा ही है। आज से हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं, एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। आप चाहे एयरफोर्स का एग्जाम दीजिए, चाहे आप CHSL का एग्जाम दीजिए और चाहे आप MTS का एग्जाम दीजिए। दोस्तों याद रखिएगा, कभी भी आप अपना टारगेट केवल एक मत रखिएगा, विकल्प आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर विकल्प रहेगा तभी आप सक्सेस गेन कर सकते हैं दोस्तों। तो याद रखिए, चूंकि एयरफोर्स में 10+2 लेवल वो भी है और CHSL जो है दोस्तों वो भी 10+2 लेवल है, तो इसलिए आप रीजनिंग और इंग्लिश और मैथ, ये तीन चीज आप इस तरह से पढ़िए दोस्तों कि चाहे आप एयरफोर्स का एग्जाम दीजिए, चाहे आप CHSL का एग्जाम दीजिए, चाहे आप MTS का एग्जाम दीजिए, चाहे आप नेवी SSR या AA का एग्जाम दीजिए, हर उसमें काम आए दोस्तों। तो रीजनिंग जो मैं पढ़ाऊंगा आपको दोस्तों, एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा, पहले चैप्टर से, कोडिंग डिकोडिंग से। और जो बच्चे नए होंगे, अर्थात जो पढ़े हुए हैं कोडिंग डिकोडिंग, उनका फिर से रिवाइज हो जाएगा और हो सकता है कि एक नए तरीके से मैं पढ़ाऊं दोस्तों। ठीक, तो ये आपके ऊपर है दोस्तों कि आप जो है उसको किस तरह से लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप उसको किस तरह से लेंगे ये आप पर डिपेंड करता है दोस्तों। और याद रखिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, सफलता तो मिल के ही रहेगी। तो आइए दोस्तों लग जाते हैं एक बार फिर से। हम लोगों का जो पहला चैप्टर है आज से स्टार्ट कर रहे हैं, वो है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग। जी हाँ दोस्तों, आज से हम लोग दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग जो है स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर। और याद रखिएगा दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग में सबसे अच्छी चीज जो ये है दोस्तों कि आपको क्रम नंबर याद होना चाहिए अल्फाबेट्स के, और दूसरा चीज दोस्तों उसका अपोजिट आपको याद रहना चाहिए। तो याद रखिएगा, मैं ट्रिक से भी याद कराऊंगा, कैसे याद करेंगे उसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों। तो पहले एक बार मैं लिख देता हूं, उसको देख लीजिए, A B C D E F G H I J K L M, यम के बाद फिर दोस्तों N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक दोस्तों, ये तो है हमारा अल्फाबेट्स। अगर इसके कोड की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों हम लोग इसको शुरू करने चल रहे हैं, और शुरू करने से पहले मैं आपका एक मिनट मात्र लूंगा, एक मिनट क्या दोस्तों, मुश्किल से 30 सेकंड लूंगा। 30 सेकेंड का समय है आपके पास दोस्तों। आपके पास जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, आप हर ग्रुप में जो है इसको शेयर करिए और ज़्यादा बच्चों को इकट्ठा कर लीजिए दोस्तों। क्योंकि देखिए, जब बच्चे ज़्यादा रहेंगे दोस्तों तो आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा और मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। और याद रखिए, केवल आप एक बार लेकर आइए उनको, अगर वो एक बार हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे, हमारे पास तक पहुंच जाएंगे दोस्तों, तो याद रखिएगा दोबारा फिर वो वापस नहीं जाएंगे। ऐसी चीज मैं दे दूंगा उनको, ऐसी चीज दे दूंगा, निचोड़ के जो है सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और वो सारी चीजें आपको ही दूंगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, देख रहे हैं दोस्तों ये ABCD लिखा है, आखिर अब इसको हम याद कैसे करेंगे। तो याद करने का तो एक तरीका है दोस्तों कि आप दो बार इसको लिख लीजिए, याद हो जाएगा।
दूसरा तरीका दोस्तों, जो ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक कैसे करेंगे देखिएगा दोस्तों। सबसे पहली चीज तो आप मैच तो खेलते होंगे, 20-20 मैच, T20 मैच खेलते हैं कि नहीं दोस्तों? खेलते होंगे, अर्थात दोस्तों टी का 20 होता ही है, T20 मैच खेलेंगे क्या दोस्तों? आपको पता होगा कि जो है, देखिए ABCD चार तक तो आपको याद होना ही है भाई, चार तक तो याद कर ही सकते हैं। आगे पांच से मैं बताता हूं, एक चीज याद रखिएगा, इजोटी। जी हां दोस्तों, इजोटी, इजोटी में दोस्तों ये पांच पांच का है, पांच हो गया, दस हो गया, पंद्रह हो गया, बीस हो गया और पच्चीस हो गया, ये है दोस्तों इजोटी। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे क्या है, हमको पता है दोस्तों यच ऐसे बनता है, अगर हम यच में दोनों तरफ मिला दे दोस्तों तो ये क्या हो गया, आठ हो गया। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यच का क्या होता है, आठ होता है। आई देखिए दोस्तों, आई ऐसे ही बनता है ना, और ये है क्या, नौ है दोस्तों, अर्थात ये आई का कितना होता है दोस्तों, नौ होता है। फिर देखिए दोस्तों यम, यम तो इसी तरह बनता है, देखिए किस कुछ लिखा हुआ है, तीन का आकार लिखा हुआ है, अर्थात अगर दोस्तों हम, अगर हम तीन को यही उल्टा कर दे तो यम की तरह बन जाएगा ना, लेकिन तीन तो होता नहीं क्योंकि तीन तो हमारा सी का है, तो जब तीन नहीं होता दोस्तों तेरह हो जाएगा यम का। फिर देखिए डब्लू दोस्तों, डब्लू ये भी दोस्तों तीन की तरह ही बना है, तो तीन की तरह बना है तो तीन तो होगा नहीं दोस्तों क्योंकि तीन से सी है हमारा, तेरह होगा नहीं दोस्तों क्योंकि तेरह पर यम है हमारा। तो फिर बचा क्या दोस्तों, बचा हमारे पास तेईस, यानी कि डब्लू का क्या हो जाएगा दोस्तों, तेईस हो जाएगा। किसी को कहीं भी डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा, एक बार कमेंट करिए दोस्तों, जय हिंद लिखिए दोस्तों, एक बार सभी लोग जय हिंद लिखिए दोस्तों, आशीष, पंकज, देवेश, जय हिंद, एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों, बताइए कि क्या ये अच्छा लगा कि नहीं दोस्तों। इजोटी से आप पांच वर्ड याद कर लेंगे, T20 से T हो गया, T का 20, M13 यानी कि मायावती 13 साल की हैं, M13 हो गया दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों W से हो गया 23, I से हो गया 9 और Y से हो गया 8। किसी को कोई भी डाउट हो दोस्तों बताइए, किसी को कहीं भी डाउट हो दोस्तों बताइए, कमेंट करिए। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद देखिए, अब हम लोगों को पता है, क्या पता है, पी। तो पी देखिए दोस्तों ये 6 की तरह बना है कि नहीं, 6 की तरह बना है, तो अब चूंकि 6 तो होगा नहीं दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि 6 यफ पे है तो ये हो जाएगा 16, और यफ का क्या हो जाएगा दोस्तों, यफ का हो जाएगा 6। तो ये सब ट्रिक है दोस्तों याद करने का। आप जानते होंगे दोस्तों किंग इलेवन पंजाब एक टीम है IPL की, और इस बार IPL तो दोस्तों चला गया, ठीक, IPL तो इस बार निरस्त हो गया दोस्तों। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि किंग इलेवन पंजाब यानी कि के का 11 हो गया दोस्तों। अब जब के का 11 हो गया तो यल का दोस्तों क्या हो जाएगा, यल का 12 हो जाएगा, और के का 11 यल का 12, कहीं कोई दिक्कत दोस्तों? तो ये तरीका है दोस्तों, जहां आप चार पांच बार इसको करेंगे ये अपने आप याद हो जाएगा। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका दोस्तों, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये तो था हमारा वर्ड का कोड याद करने का तरीका। दो चीज आपको याद रहना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग में, तभी आप बेस्ट होंगे। पहली चीज तो था कि आपको उसका कोड याद होना चाहिए, और दूसरा चीज है दोस्तों कि आपको उसका अपोजिट याद होना चाहिए, कि ए का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट क्या होगा, डी का अपोजिट क्या होगा। तो उसको भी याद करने का बहुत आसान तरीका है, आइए हम आपको बताते हैं दोस्तों कि आखिर हम उसको याद कैसे करेंगे। तो अब चूंकि मैंने लिखा है दोस्तों तो इसमें उसी तरह से लिखा है कि सब सीधा सीधा बन जाए, जैसे ए का जेड, बी का वाई, सी का यक्स, डी का डब्लू, ई का वी, मैंने सब एक क्रम से लिखा ही है दोस्तों। तो आपके पास दो तरीके हैं, पहला तरीका यह है दोस्तों कि आपको जिसका भी अपोजिट निकालना हो, जिसका भी अपोजिट निकालना हो, 27 में से उस संख्या का नंबर घटा दीजिए, आपको उसका अपोजिट मिल जाएगा। जैसे एक मिनट दोस्तों, लाइट चली गई है, रुकिएगा, हमको दोस्तों क्या निकालना था, जैसे 27 का मान लीजिए निकालना है, तो हमको दो तरीका है कि मतलब कि जिसका भी अपोजिट निकालना हो, मान लीजिए एक अपोजिट अगर निकालना है
तो 27 में से दोस्तों ए का कोड घटा दीजिए, क्योंकि ए का कोड होता है दोस्तों एक, तो 27 में से एक घटा देंगे दोस्तों तो हो जाएगा 26, और 26 किसका होता है दोस्तों, जेड का होता है। मान लीजिए दोस्तों कह दिया जाए कि ओ का अपोजिट निकालिए, तो ओ का मतलब इजोटी में हमको पता है दोस्तों कि ई जे ओ अर्थात तीन, तीन का मतलब 15, तो ओ का दोस्तों हमको पता है कि 15 होता है, तो ओ का अपोजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 27 माइनस 15 कर देंगे, तो 27 में से दोस्तों 15 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा दोस्तों। और 12 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 12 का मतलब हुआ यंग। अभी ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों कि आखिर ओ का हम डायरेक्ट यल कैसे करेंगे, अभी तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि जो आपका तरीका है जैसे हम उसको निकालते हैं वो चीज अभी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। तो याद रखिएगा, अगर जो है मान लो कह दिया जाए दोस्तों कि यम का निकालिए, तो यम का चूंकि यम तो हमको पता है कि बीचों बीच में होता है, तो यम का यन होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक, तो एक तरीका तो ये है दोस्तों कि आप 27 में से उसका अंक घटा दीजिए और आपको उसका अपोजिट मिल जाएगा। दूसरा तरीका और सबसे अच्छा तरीका दोस्तों क्या है, सुनिएगा दोस्तों, सुनिएगा आज, जी हाँ दोस्तों, आज का मतलब दोस्तों ए और जेड, आज का मतलब ए से आ और जे से जेड से च, आज बाई, बाई का मतलब दोस्तों बी वाई, बाई सिक्स, जी हां दोस्तों सिक्स, सिक्स का मतलब सी और यक्स, ड्यू दोस्तों ड्यू, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, जी हां दोस्तों माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये पसीना जो आपको दिख रहा है दोस्तों, इस पसीने की कीमत आपको चुकानी है दोस्तों, और पसीने की कीमत आपको चुकानी है, और आप कैसे चुकाएंगे दोस्तों, एक बार जय हिंद लिखिए, उसी से ये हमको खुशी मिलेगी दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, ड्यू माउंटेन ड्यू, ड्यू डी का डब्ल्यू, ड्यू माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। उसके बाद एक चीज देखिए दोस्तों, यल ओ वी ई, जी हाँ दोस्तों यल ओ वी ई, लव सबसे अच्छा वर्ड है, सबसे अच्छा वर्ड है दोस्तों, अर्थात यल का हो जाएगा ओ और वी का हो जाएगा ई, अर्थात यल ओ वी ई लव, जी हाँ दोस्तों यल का अपोजिट ओ और वी का अपोजिट ई। फिर आगे देखिए दोस्तों, ई तक हो गया, फिर यफ पर चलेंगे, उफ बड़ी गर्मी है दोस्तों, उफ बड़ी गर्मी है दोस्तों, यू का यफ अर्थात उफ बड़ी गर्मी है दोस्तों। फिर आगे चलिए जी, जी का देख रहे हैं दोस्तों जीटी रोड, जीटी रोड दोस्तों किसने बनवाया था, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए दोस्तों कि जीटी रोड ग्रैंड ट्रंक रोड जो था वो किसने बनवाया था दोस्तों, ये आपका जान लीजिए जीएस का क्वेश्चन हो गया, जीटी रोड किसने बनवाया था कमेंट करिए। आशीष अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया दोस्तों, कमेंट करिए। पंकज नहीं, देखिए कुछ बच्चों का कमेंट आया था, देखिए दोस्तों जैसे पढ़ाने लगता हूं तो कमेंट नहीं देखता, चूंकि कमेंट इधर दिखता है, तो जब इधर रहूंगा तो फिर कमेंट कहां से देखूंगा दोस्तों, तो इसलिए चिंता ना करिए दोस्तों, कमेंट लिया जाएगा आपका, कमेंट भी लिया जाएगा और सबका नाम भी लिया जाएगा, आप परेशान बिल्कुल मत होइए, पढ़े रहिए, सब चीज आपको बताई जाएगी। आगे चलिए, जीटी रोड हो गया, फिर यच से देखिए दोस्तों, हाई स्कूल, यच यस हाई स्कूल दोस्तों, और हाई स्कूल को पता है सबको, हाई स्कूल तो हाई स्कूल ही है, उसमें जो मजा है वो कहीं और नहीं। फिर आगे देखिए दोस्तों, इंडियन रेलवे, जी हाँ दोस्तों आई आर, इंडियन रेलवे, जी हाँ दोस्तों आई आर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, इंडियन रेलवे, जी हाँ दोस्तों इंडियन रेलवे, आई का आर हो गया दोस्तों। उसके बाद तो इसको पूछिए गया मत दोस्तों, जे क्यू का मतलब हो गया दोस्तों जहांगीर का किला, जी हाँ दोस्तों जहांगीर का किला अर्थात जे क्यू, जे क्यू क्या हो गया दोस्तों जहांगीर का किला। उसके बाद देखिए केपी दोस्तों, केपी से चाहे आप कर दीजिए कटी पतंग और चाहे कर दीजिए कमला पसंद है दोस्तों, ठीक कमला पसंद है या कटी पतंग है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या करेंगे इसको, कमला पसंद है करेंगे कि कटी पतंग है करेंगे, ठीक। तो देखिए दोस्तों आगे क्या है दोस्तों, आगे है हमारा यल ओ, जी हाँ दोस्तों यल ओ, आगे क्या है यल ओ, तो चूंकि अभी हमने बताया लव में यल ओ और वी ई, तो इस तरह से दोस्तों हम कोडिंग डिकोडिंग के सारे नाम याद करेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और कहीं भी कोई दिक्कत हो दोस्तों बताइए, किसी को कहीं भी समस्या हो दोस्तों कमेंट करिए,
आगे चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा इसके बाद। अब हम लोग दोस्तों कुछ थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन पर, उसके बाद दोस्तों हम लोग इस पर जो है 30 क्वेश्चन जो दमदार दमदार हैं और पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आप में से ही किसी का नाम लेता हूं मैं, मुकुंद। जी हाँ दोस्तों, चलिए एक नाम है मुकुंद, एक नाम है मोहित, आगे अभिषेक, ठीक, एक नाम है दोस्तों पंकज, ठीक। चलिए दोस्तों देखते हैं, अब मान लो कोई कह दे कि मुकुंद का कोड बताइए। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई कह दे मुकुंद का कोड बताइए, तो हमने कहा दोस्तों यम, यम का मतलब यम मायावती 13 साल की है, अर्थात यम का 13 हो गया। यू, यू का हमको पता है दोस्तों कि टी के बाद यू आता है, और T20 मैच होता है तो टी के बाद यू आया, अर्थात कितना हो गया दोस्तों 21 हो गया। फिर आगे देखिए के दोस्तों, और के का मतलब किंग 11 पंजाब दोस्तों, तो अर्थात के का क्या हो जाएगा 11। फिर से यू आ गया दोस्तों, तो यू का फिर से दोस्तों 21। यन आ गया दोस्तों, तो यन का दोस्तों 14 होता है, क्योंकि हमको पता है यम मायावती 13 साल की है, तो उसके आगे यन 14 हो गया। और डी का दोस्तों 4 होता ही है। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। आप ऐसे 10 नाम, जो भी नाम आपके जितने भी रिश्तेदार हैं दोस्तों, आपका यही होमवर्क है, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं सभी का नाम लिखकर और उनका कोड लिखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, एक मिनट रुक जाइएगा, आगे चलते हैं मोहित। तो यम का दोस्तों 13 हो जाएगा, ओ का दोस्तों 15 हो जाएगा, आई का दोस्तों, आई यच है दोस्तों, यच का मतलब 8 हो जाएगा, ठीक। और आई, आई को हमने बताया दोस्तों इस तरह लिखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और T20 मैच होता ही है दोस्तों। फिर देखिए उसी तरह अभिषेक में ए का 1 और बी का 2, फिर यच, और यच में दोस्तों अगर इसको मिला दे तो ये 8 हो जाएगा, आई दोस्तों 9 होता है, यस दोस्तों, यस के बाद टी आता है, अर्थात टी का मतलब 20, और 20 से 1 कम कर दीजिए दोस्तों तो 19, फिर यच दोस्तों 8, ई दोस्तों 5, और के दोस्तों के 11। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए दोस्तों। पंकज, जी हाँ दोस्तों, बहुत प्यारा नाम है। पी का मतलब क्या हो गया दोस्तों 16। मैंने कहा पी देखिए 6 की तरह है, और 6 यफ का होता है, इसलिए यफ होगा नहीं तो पी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यन का 14 हो जाएगा दोस्तों, के का 11 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, और जे का 10 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों कमेंट करिए और बताइए, बताइए दोस्तों कि समझ में आया कि नहीं आया। आज क्लास दोस्तों यहीं तक रहेगी, कल हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और याद रखिएगा प्रैक्टिस हम किससे करेंगे, देखिए दोस्तों सबसे अच्छी बुक है ये, रीजनिंग की सबसे अच्छी बुक मानी जाती है केपी सिंह की, और जो पूरी प्रैक्टिस में करवाऊंगा आपको केपी सिंह की बुक से ही करवाऊंगा दोस्तों। तो पूरी रीजनिंग, चाहे आप जहां भी बैठे रीजनिंग ऐसा पढ़ें कि चाहे आप जिस एग्जाम में बैठे, याद रखिएगा रीजनिंग फिर दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, और याद रखिएगा दोस्तों कल आना मत भूलिएगा, कल आपकी रीजनिंग की क्लास चलेगी और एकदम दमदार क्लास चलेगी, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं दोस्तों, ठीक। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद।